नमस्कार, मैं दीपिका तिवारी आपका भारत 18 न्यूज चैनल पर स्वागत करती हूँ। नवस्था उद्योग व्यापार मंडल में बांटे नेबुलाइजर, जिसमें मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष कमल त्रिपाठी, महामंत्री आशीष त्रिपाठी, अजय शर्मा, उपाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, विनय तिवारी, मोहित तिवारी, विवेक गुप्ता, उमा शंकर शुक्ला आदि उपस्थित रहे। आइए नजर डालते खास खबर पर। जहाँ पे एक तरफ हमारी तस्वीरें को सामने आती है जो मानवता को शर्मसार करती है, वही कुछ लोग हैं जो सेवा परमो धर्मा के भाव से जनता की सेवा करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो कि नवस्था उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। ये विगत कई दिवसों से कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। आप अपने मंडल के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मंडल नवस्था उद्योग व्यापार मंडल है, ये हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा आगे से आगे खड़ा रहता है। अभी कुछ दिन पहले भोजन वितरण किया गया, निःशुल्क किया गया। आज भाप के लिए भी निःशुल्क किया जा रहा है, जो ज़रूरतमंदों हैं उनके लिए किया जा रहा है। नवस्था उद्योग व्यापार मंडल कब से काम कर रहा है और अभी तक लगभग कितने इसने सहयोग के कार्य किए हैं? लमसम नियर अबाउट 14 साल हो गए इसको, और 14 साल से बराबर सेवा में जुटा हुआ है। चाहे किसी प्रकार की सेवा हो, निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आप भारत 18 न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जो ज़्यादा ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, बाहर निकल के ज़रूरतमंदों की वो सेवा करते रहें। घर में बैठ के दूसरों को ज्ञान देने से बढ़िया है कि आप बाहर निकल के सेवा करते रहें। आपने जो आज वितरण किया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ संक्षिप्त जानकारी दें। नवस्था व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने ये विचार मन में आया कि सभी लोगों को भाप मशीनें वितरित की जाएँ जो जिनको दिक्कत है। तो हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले भी सैनिटाइज किया था पूरा क्षेत्र। इसके पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण आज भी चालू है और हो रहा है नवस्था व्यापार मंडल की तरफ से। आज हम लोगों ने गरीब असहायों को मशीनों का वितरण किया निःशुल्क। हमारा व्यापार मंडल केवल सेवा भाव से कार्य करता है और करना चाहता है। हमारे पूरे व्यापार मंडल में इसमें सहयोग है पूरे लोगों का। सभी लोग तन मन धन से हमारे साथ में हैं और हम इनके आभारी हैं। जहां एक तरफ लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, प्रशासन दिन पर दिन कई लोगों की गिरफ्तारी कर रहा है, वहीं ऐसे लोग समाज का एक आईना है जो कि ये दर्शाते हैं कि अगर हम मानवता के साथ काम ना कर पाए तो हमारा मानव जीवन होना बेकार है। कैमरामैन तनिष्क शर्मा के साथ आदित्य सिंह, भारत 18 न्यूज। देखिए, आज हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का दौरा इसलिए किया कि यहाँ पिछले कुछ दिन से हम तैयारियाँ करवा रहे थे जो कि आज संपूर्णता की तरफ पहुँचती दिखाई दी है। यहाँ पर लगभग 200 नए बेड और उन बेड्स में 22 बेड्स विशेष रूप से आईसीयू के, ये हमने आज क्रिएट करने की दिशा में अपने प्रयासों को पूरा किया है। और उस बेड्स के कम्प्लेक्स को आज हम लोगों ने विज़िट किया है। इसके अलावा यहाँ पहले से ही ये जो सामने बिल्डिंग है और इसके साथ में एक और बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग्स में लगभग हमारे 205 बेड्स और जिसमें आईसीयू बेड्स भी हैं और दूसरे बेड्स भी हैं, सभी ऑक्सीजन सपोर्टेड, वो पहले से काम कर रहे हैं। आज जो 200 बेड्स हम स्टार्ट करने के लिए तैयारियां कराई हैं, ये सब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इससे भी ज़्यादा संतोष की बात यह है कि एक रिकॉर्ड टाइम में, पिछली बार भी जब मैंने लेडी हार्डिंग में आपके साथ मुलाकात की थी तो मैंने जिक्र किया था कि सभी अस्पतालों में और देश भर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं ऑक्सीजन के जनरेशन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कर रही है। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिकॉर्ड 6 दिन के समय के अंदर ये जो PSA प्लांट है ये DRDO की मदद से लगाया गया है। और इस अकेले प्लांट की सहायता से करीब 2.5 मेट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। इसकी जो जनरेशन के बाद जो पाइप है उसको लिक्विड ऑक्सीजन के हमारे पाइप के साथ जोड़ दिया गया है
और अस्पताल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसका एक चौथाई जो कंपोनेंट है वो अस्पताल खुद स्वयं अब इस प्लांट की मदद से पूरा कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए इस समय जिस प्रकार से पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने देश भर में भारत सरकार की ओर से 162 पीएसए प्लांट्स जो हैं इनको लगाने के लिए सारे देश को सपोर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उन 162 प्लांट्स में से भी लगभग 93 प्लांट्स जो हैं वो साइट पर डिलीवर हो चुके हैं। शायद 71 के करीब ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं, 110 इस महीने के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे और इसी प्रकार के लगभग जैसा ये प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं अभी, पहले 500 सेंक्शन हुए थे उसके बाद 551 और, यानी 1051 प्लांट जो पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिनको डीआरडीओ, सीएसआईआर और हाइट्स ये सब मिलकर देश भर में स्थापित करेंगे उसकी प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो गई है। जो पहले लॉट में 500 सेंक्शन हुए थे उसमें से 100 इसी महीने में, 200 अगले महीने में और 200 उससे अगले महीने में ये भी प्रारंभ हो जाएंगे। यानी ये 1000 प्लांट्स जो हैं इनकी भी अगले 2-3 महीने के अंदर पूरी तरह से, और इस बार इन प्लांट्स की जो साइट्स हैं उनको भी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ा है कि वो इन साइट्स को फाइनल करें। इसके लिए भी जो हमारा नेशनल जो हमारी रोड अथॉरिटी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और इसके साथ साथ जो CPWD है इनकी मदद लेकर, ताकि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई भी देरी ना हो, सारी चीज़ें जो है भारत सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसको जो है सुनिश्चित किया है। लगभग आप जानते हैं कि अब तक 9500 से ज़्यादा मैट्रिक टन का जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो लगभग 25 से ज़्यादा हाई बर्डन स्टेट्स को भारत सरकार ने अलॉट कर दिया है। ये लगभग जो देश में 35 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या के आधार पर साइंटिफिकली इसको अलॉट किया गया है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह का हर संभव प्रयास कर रही है। जो कोविड की सेकेंड वेव से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए आप देख रहे हैं कि जैसे अभी केसेस भी ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो उसी प्रकार से रिकवरीज भी पिछले 24 घंटे में भी 3,31,000 से ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी बहुत बड़े पैमाने पर बल दिया जा रहा है। आज यहाँ मैंने वैक्सीनेशन सेंटर को भी विज़िट किया है और करीब 16.5 करोड़ डोजेज़ जो है भारत के अंदर अब तक विभिन्न श्रेणी के प्रायोरिटी ग्रुप्स को जो है वो डिलीवर हो चुकी हैं। जो पिछले समय में 18 साल से ऊपर के नौजवानों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई उसमें भी लगभग 12 लाख से ज़्यादा डोजेज़ अभी तक दी जा चुकी हैं। भारत सरकार की ओर से हमारा ये बराबर अब विशेष रूप से स्टेट्स को आग्रह है कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सेकेंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकेंड डोज मिलनी चाहिए और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। आपके माध्यम से भी मैं उन सब देशवासियों को जो पहली डोज ले चुके हैं अपनी वैक्सीन की, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो 45 साल से ऊपर के हैं, उन सबको मेरा अनुरोध है कि वो
कोविन प्लेटफॉर्म की मदद से अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपनी सेकेंड डोज को प्रायोरिटाइज करके लें, ताकि कोविड के खिलाफ जंग में हमको जिस जिस कंपोनेंट की आवश्यकता है उसको हम सफलतापूर्वक निभा सकें और उसको कोविड के खिलाफ जंग में सफलता में कंट्रीब्यूट करा सकें। बार बार डेढ़ साल से जो बात मैं हर बार कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आप अगर अपना मास्क ठीक से लगा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है, दो गज की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहें, और आवश्यकता नहीं है तो बाहर भीड़ में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भड़कके के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी मूल बातें हैं। शायद कोविड के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार जो कम से कम मैं समझ पाया हूँ वो ये मास्क और साथ में वैक्सीनेशन है। इन बातों पर देश के लोग विशेष रूप से ध्यान करें।